महाराज, मैं जानता हूं कि चांडाल सिंह महारानी जी का चचेरा भाई, किंतु मुझे उसके उद्देश्य पे संदेह है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राजगुरु के कुछ अय्यारों को उसके पीछे लगाना चाहता हूं। उसका ध्यान रखने के लिए। नहीं सेनापति, चंडाल सिंह एक भावुक व्यक्ति है, वो जल्दी से उत्तेजित हो जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों आज्ञा महाराज? महाराज एक और बात इस पर मैं चाहता हूं कि आप और महारानी जी जरा गंभीरता से विचार करें। बोलो। और ये बात राजकुमारी दमयंती से संबंधित है। राजकुमारी दमयंती से संबंधित? जी महारानी। समय ठीक नहीं है महाराज, हमारे ही सिपाही विश्वासघाती होते जा रहे हैं, हमारा ही राज्य असुरक्षित। ऐसे में मैं चाहता हूं कि राजकुमारी के साथ उसका एक विश्वस्त अंगरक्षक हो, जो हमेशा एक साये की तरह उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। तब भी जब तलवारबाजी के अभ्यास के लिए राजकुमारी कहीं दूर चली जाए। महामंत्री, आप एक विश्वसनीय अंगरक्षक ढूंढना शुरू कर दीजिए। जी महाराज। रुक जा रुक जा। तेरा तो नाम ही बादल है, तेरा काम है बादलों से भी तेज भागना, पर आज इस वीर ने तुझे हरा ही दिया। और इसलिए इस निर्णय पर अब कोई विचार विमर्श नहीं होगा। हमने सेनापति को बोल दिया है कि वो शीघ्र आपके लिए एक अंगरक्षक नियुक्त कर दें। हम अंगरक्षक नहीं रखेंगे, हरगिज नहीं रखेंगे, और आपकी इस विषय पर कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देते। क्यों पिताजी, आप क्यों हमारी सुरक्षा को लेकर हमेशा इतना चिंतित रहते हैं? क्यों आपको ये भय है कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे भी कोई दुश्मन हो सकते हैं? जब भी हमने आपसे इन सवालों का जवाब मांगा है, आपने जवाब के बदले हमारी सुरक्षा और कड़ी कर दी है। अगर इस बार आपने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो ना सिर्फ हम अंगरक्षक नहीं रखेंगे बल्कि इस राजमहल से निहत्ते ही चले जाएंगे, और इस चीज का हम आपको वचन देते हैं। महाराज, हमें लगता है समय आ गया है कि आप राजकुमारी को सब सच बता दें। सच? कैसा सच मां? पिताजी, आओ बताता हूं। आओ। Thank you.
आप सब जाओ यहां से। बेटा अब जो भी देखने वाली हो, जो भी सुनने वाली हो, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, आपकी सहेलियों को भी नहीं। वचन दो। संभल कर आना। ये हम कहां आ गए पिताजी? आओ मेरे साथ। ये क्या है पिताजी? यही वो वस्तु है जिसके कारण हम आपकी सुरक्षा की इतनी चिंता करते हैं। ये पारसमणि है। पारसमणि? ये आपको कैसे मिली? 100 साल से पहले की बात है, हमारे राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। पूरे राज्य पर विपदा छाई हुई थी। तब के राजा, हमारे पूर्वज राजा चंद्रभानु ने गले तक पानी में खड़े रहकर घोर तपस्या की, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने जल समाधि ले ली, परंतु कुछ ही समय बाद वो पानी से बाहर निकल आए जीवित। तब ये उनके हाथों में था पारसमणि, जो उन्हें जल देवता ने दिया था। ये पत्थर किसी राज्य के शासक के पास हो तो वो किसी भी विपदा को पार कर लेता है। शायद इसलिए इसे उन्नति पाषाण कहते हैं। इस पत्थर को हाथ में लेकर कोई भी इंसान परम शक्तिशाली बन सकता है। गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वो इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए इस पत्थर को यहां पर रखा गया है ताकि वो पूरे राज्य को शक्ति दे सके, ना ही केवल एक इंसान को। इस पत्थर की सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है, और आपके सिंहासन पर बैठने के बाद इसकी रक्षा का दायित्व आपका बन जाएगा। ये पत्थर हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति ही नहीं, हमारी धरोहर भी है। इस पत्थर को सिर्फ एक राजवंशी ही हाथ लगा सकता है। ये सब बातें मैं आपको आपके 21 वर्ष पूरे होने के बाद ही बताने वाला था, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति आपके रवैये को देखकर ये सब आपको अभी बताना पड़ा। इस पत्थर को हर 13 वर्ष में चंद्रोत्सव के समय बाहर निकाला जाता है, चांद को दिखाते हुए इसका अभिषेक किया जाता है। इस पूजा में हम, आप और आपकी माँ बैठेंगी। इस गुप्त पूजा के बारे में ना किसी को पता है, ना किसी को पता चलना चाहिए। समझ रही है ना आप इस बात को, राजकुमारी दमयंती?